अथवा मैंने जो रेगुलर व्यू देता हूँ तो कल के लिए मतलब 6 दिसंबर 2019 के लिए मैंने बायसेल का रिकमेंडेशन दूंगा, कुछ स्टॉक्स का दूंगा और निफ्टी और बैंक निफ्टी का लेवल दिखाऊंगा और कमोडिटी का लेवल दिखाऊंगा। तो ये वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखिए और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोग को सभी वीडियो मेरे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का डायरेक्शन रेगुलर बताता हूँ, रेगुलर देता हूँ, तो उसको आप लोग को मिल जाएगा। ये बाय सेल लेवल का स्किनर का फाइल भी आप लोग को मिल जाएगा और बाय सेल लेवल फाइल का मिल जाएगा और भी बहुत सारा सीखने का कुछ मिलेगा। मतलब बहुत सारा स्ट्रैटेजीज है जो आप लोग अपना के एडप्ट करके आप लोग अच्छी तरह से प्रॉफिट कमा सकते हैं और भी बहुत का हाउ टू टेक सेफ एंट्री, हाउ टू मेक प्रॉफिट फ्रॉम आर्बिट्रेज एंड पेयर ट्रेडिंग, हेजिंग, ये सब चीज़ आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये उसमें से आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। तो आप लोग देखते हैं मैंने ये मेरा बाय सेल लेवल कम स्किनर में मैंने कैसे स्किन करता हूँ। तो इसमें बहुत सारा इंडिकेटर लगा हुआ है, तो इसमें ये देखे आप लोग अच्छी तरह से, ये में 5.13 क्रॉस ओवर है, चेंज इन प्राइस, वोलेटिलिटी, डिलीवरी परसेंटेज वो देखे मैंने स्क्रीन किया हूँ। इधर बोलिंजर बैंड भी है, ये मैंने छोड़ देता हूँ। प्राइस चैनल सभी समय सभी करने का कोई ज़रूरत नहीं है। इसी में कुक आउट, ये कॉमर्शियल एंड इन्वेस्टर लाइन का क्रॉस ओवर है, ये BWAP का है, BWAP के ऊपर है या नीचे है ये देख के मैंने स्क्रीनिंग करता हूँ। उसके बाद उसका बाय सेल लेवल दिखता हूँ, जो स्टॉक्स निकलता है उसका बाय सेल लेवल दिखता हूँ। तो ये स्टॉक्स अभी कल के लिए मैंने चुना हूँ आप लोगों के लिए, आप लोग इसका बाय सेल लेवल फॉलो कर सकता है। मैंने थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ क्योंकि जो लोग मोबाइल से देखता है वो लोग को सुविधा होता है। तो इसमें मेरा आप लोग जानते हैं तभी मैंने बताता हूँ, क्योंकि बहुत सारा लोग नया आया है तो इसीलिए जो लोग नया देखता है उसी को सुविधा होता है। और मेरा अगला वाला वीडियो जो लोग मतलब देख रहा है तो फर्स्ट टाइम देख रहा है तो रिक्वेस्ट है कि मेरा पहले वाला वीडियोस बाय सेल लेवल कम स्किनर का मतलब बाय सेल लेवल कैसे देता हूँ, कैसे स्किनिंग करता है, क्या क्या रहता है वो आप लोग जरूर देख लीजिए। इसमें बाय सेल लेवल 1, बाय सेल लेवल 2 और बाय सेल लेवल 3 रहता है और इसमें कुछ इंडिकेटर भी लगाता है। और बाय सेल लेवल 3 और एक मैंने फाइल बनाया है उसमें बाय सेल लेवल 3 को मैंने अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड दोनों साइड में बाय सेल लेवल किया दिखाता हूँ। अप ट्रेंड का जो स्टॉक्स है वो और भी ऊपर जाएगा तो कहाँ पर उसको एंट्री लेना है, अप ट्रेंड का स्टॉक जब नीचे आएगा तो आपको कहाँ पर लेना है, और डाउन ट्रेंड का स्टॉक जब रिट्रेस होकर ऊपर जाएगा तो कहाँ पर उसको बाय करना है, डाउन ट्रेंड का स्टॉक और भी नीचे जाएगा तो कहाँ पर लेने से सेफ एंट्री होगा, और कौन सा स्टॉक्स कौन सा लेवल पे है वो आप लोग को इधर से दिख जाएगा और इधर से आप लोग स्क्रीनिंग भी कर ले सकते हैं। 5:30 AM क्रॉस ओवर, अप डाउन दोनों साइड में आप लोग स्क्रीनिंग कर सकते हैं और इधर भी और भी स्किनर का स्क्रीनिंग का चीज़ है, स्क्रीनिंग का पैरामीटर्स है। देखिए 9:52 AM क्रॉस ओवर, 14:00 AM ROC, रेट ऑफ चेंज ऑफ प्राइस, 2:30 AM क्रॉस ओवर, 5:34 AM क्रॉस ओवर, 2:20 and 50 AM क्रॉस ओवर, 2:20, 50 and 100 AM क्रॉस ओवर। तो ये सब देखे आप लोग इसको कर सकता है। और मैंने बाय सेल लेवल 3 को मैंने अलग से फाइल बनाया हूँ तो उसको उधर और कुछ इंडिकेटर लगाया हूँ तो वो भी आप लोग देख सकता है। इधर 5:34 AM का क्रॉस ओवर दिया हूँ और इधर प्रीवियस क्लोज का हिसाब से आप लोग स्क्रीनिंग कर सकता है। तो स्क्रीनिंग करने के बाद जो स्टॉक्स नहीं लगा उसमें से आप लोग ट्रेड कर सकता है। तो देखिए आज का बाय सेल लेवल मैंने दिखाता हूँ
ये देखिए बाई का बाई वन लेवल, ये है बाई से लेवल वन। बाई से लेवल वन में बाई का एंट्री लेवल बीच में रहता है, टारगेट वन से टारगेट फोर बाएँ तरफ रहता है और टारगेट फाइव से लेकर टारगेट एट दाएँ तरफ रहता है। और जो इधर जो गैप अप और गैप डाउन जब ओपन होगा तो देखिए इसको कंसीडर कर लेना है। सो ये 222 और 223 के बीच में ओपन हुआ है, तो 222 के ऊपर ओपन होगा तो आप लोग 200 उधर एंट्री लेके 223 का टारगेट में देख सकता है। 223 के ऊपर एंट्री होगा तो आप लोग 225 का टारगेट के लिए देख सकता है। और स्टॉप लॉस पीछे वाला जो लेवल है वो स्टॉप लॉस रखा जाएगा और आगने वाला जो टारगेट है वो टारगेट रहेगा। तो सेल वाले भी ऐसा है, आप लोग इसको नोट कर ले सकता है। ये है बाईस लेवल वन, इसके बाद ये बाईस लेवल टू, ये भी अच्छा काम करता है, ये आप लोग देख सकता है। और मैंने बाईस लेवल थ्री को दिखा देता हूँ, यह है बाईस लेवल थ्री। ये जो बाईस लेवल थ्री है और मैंने जो अलग से बाईस लेवल थ्री बनाया वो डिफरेंट है। और इसका पिवट पॉइंट ट्रेडिशनल जो पिवट पॉइंट है स्टैंडर्ड पिवट पॉइंट वो भी आप लोग नोट कर सकता है, ताकि आप लोग को रापोटा रेजिस्टेंस का पता चल जाएगा। और इसको मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का लेवल दिखाता हूँ। मेरा ये फाइल आप लोग को एंड ऑफ द डे लाइव मार्केट में मैंने मेरा पेड सर्विस व्हाट्सएप ग्रुप पे मतलब शेयर करता हूँ, तो उसको आप लोग देखने के लिए आप लोग फ्री ट्रायल के लिए ज्वाइन हो सकता है। उसका लिंक ये वीडियो का एंड में दिया जाएगा, मतलब डिस्क्रिप्शन में। निफ्टी और बैंक निफ्टी का आप लोग देख लीजिए और कैसे आप लोग इसको देख के आप लोग को कोई प्रॉब्लम हो रहा है क्या, कितना काम करता है, उसका फीडबैक मेरे को जरूर दीजिएगा, ताकि आप लोग का प्रॉब्लम मैंने कुछ प्रॉब्लम हो तो मैंने उसको देख मतलब सॉल्यूशन कर सकता हूँ। और आप लोग को कुछ क्लैरिटी रहेगा कौन सा लेवल पे ओपन हुआ लाइव मार्केट में। मैंने जो परफॉर्मेंस वाला वीडियो देखा था वो उसको मैंने चार्ट पे दिखा के कैसे एंट्री ले सकता है ओपन गैप अप गैप डाउन होने के बाद, वो भी वो आप लोग को दिखा देता हूँ। कमोडिटी का लेवल आप लोग नोट कर सकता है, वैसे लेवल वन टू थ्री आप लोग तीनों ही नोट कर सकता है, पिवट पॉइंट भी नोट कर सकता है। और भी कुछ कमोडिटीज रह गया, आप लोग पॉज करके देख सकता है, मैंने थोड़ा सा जल्दी कर देता हूँ। और देखिए मैंने जो आज व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने जो कॉल दिया था, मैंने जो फाइल शेयर किया था उसको, उसके बाद मैंने उसके बाद जो मार्केट से डाटा है वो आप लोग को दिखाता हूँ। तो मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी कितना मिला है, कुछ स्टॉक्स मैंने दिखा दिया था, आप लोग इधर से कमोडिटी कैसे काम किया वो भी आप लोग देख सकते हैं। देखिए ये आज का क्रूड ऑयल का हाई था, ये लो था और ये क्लोज था। उसके बाद मैंने फार्मूला दिया है, ये मेरा जो हाई है वो बाई एंट्री का लेवल का ऊपर है और जो लो है वो अभी तक इसका ये लो का आज आया नहीं है। तो देखते हैं, देखिए बाई का एंट्री लेवल, देखिए बाई का एंट्री लेवल 4160 था और इधर ये उसके बाद ये 4215 तक हाई गया था। चार्ट पे भी आप लोग देख सकते हैं कैसे इस ये मतलब आप लोग कहाँ पर कौन सा लेवल पे एंट्री ले सकता है। लाइव ट्रेड जब होगा तो एक्चुअली तो गैप अप गैप डाउन होता है, तो इसीलिए आप लोग को समझना चाहिए कि कैसे आप लोग एंट्री लेंगे। तो ये देखिए सुबह में ये जब ओपन हुआ था ये इसका ये था कितना लेवल था 4160, तो ये नीचे का लेवल ही था। तो जब 4160 के ऊपर गया था, इधर देखिए शाम को लगभग 8:15 से 8:30 के अंदर ये